ब्रज की बीथी न यही विधि बसिए ब्रज की बीथी न यही विधि बसिए ब्रज की बीथी न आ भूरे पे के बीन चिन गटा भूरे पे तन ढकिए अंगीठिन आ तन ढकिए यही विधि बसिए ब्रज की यही विधि बसिए साधु के पनवारे चुनी चुनी साधु के पनवारे चुनी चुनी उदर पोषियत सीथिना उदर पोषिए सीथिना यही विधि बसिए ब्रज की बीथिन यही विधि बसिए ब्रज की ये वृंदावन वास यहां भूख की चिंता तो करना नहीं। हाँ अपनी इच्छा से कोई भूखो रह जाए या ठाकुर जी कोई विशेष लीला करवो चाहे बात अलग है, वैसे कोई यहां भूखो नहीं रह सके। बाबा कहो भूखे रहे हमें तो श्री ठाकुर जी की गुरुजनों की संतों की कृपा से ऐसा विश्वास है कि यहां रात्रि को 1-1.5 बजे भी कौवे भूख लगे तो भोजन मिल जाए। एक ऐसी ठाकुर जी की विलक्षण लीला भाई हम समझते हैं 17-18 साल पुरानी बात होगी, अधिक मास चल रहा था, सन याद नहीं है लेकिन वृंदावन की परिक्रमा कच्ची थी उस समय, ये रोड वगैरह नहीं था, रज वाली परिक्रमा थी। तो अधिक मास में हमारे ब्रज में सब जगह दंडोती परिक्रमा खूब चले, तो हमारे वो मन में आई, हमने महाराज जी से पूछी कि महाराज जी हमारा भी मन है कि हम वृंदावन की दंडोती करें। महाराज जी बोले ठीक है, तुम कमजोर हो और बुखार रहता, तुम बीमार रहते हो, मास्टर जी जानते प्राय हम बीमारी रहते थे, बोले तुम कमजोर हो बीमार रहते हो, धीरे धीरे कर लेना, कोई बात नहीं, तुम्हारा उत्साह है तो कर लो। उनकी महाराज जी आप आशीर्वाद दोगे तो ही होगी। बोले हाँ हाँ प्रेम से करो। तो कहाँ से करें, तो महाराज जी ने कहा केसी घाट के पहले से शुरू करो। उनका ठीक, तो परिक्रमा करी। एक महात्मा हमारे संग त्यागी जी करके एक महात्मा संग थे, तो रात्रि में करते परिक्रमा, ठंडक भी हो जाती थी और रात्रि में करते थे परिक्रमा। तो ब्यारू करके थोड़ी देर विश्राम करके 8-7-8 बजे ब्यारू कर लेते, फिर थोड़ी देर विश्राम कर लेते, फिर 9-10 बजे निकलते दंडोती के लिए, फिर धीरे धीरे करते अपने आराम से। तो कुछ ऐसी लीला बनी कि शाम को भूख लगी नहीं, प्रसाद पाया नहीं, ऐसी पानी पी लिया, गर्मी खूब थी। और जैसी परिक्रमा शुरू करी रात्रि को 10 बजे के बाद, तो इतनी जोर भूख लगी, तेज भूख कि कछु मिल जाए कहूं मिल जाए, भूख के मारे परिक्रमा नहीं दे जाए। ये जो जहां जहां से चामुंडा आगे निकल जाते हैं, चामुंडा के उधर मुड़ते हैं परिक्रमा में, वहां एक व्यास गद्दी जैसी बनी हुई है, वहां अब तो सब मकान बन गए, पहले पीलू के झाड़ वहां खूब थे। तो हमने महात्मा से कही कि हम तो भूख के मारे बहुत परेशान हैं, कहीं से कुछ प्रसाद मिल जाए तो ठीक है।
बोले राजापुर गांव से कऊ ब्रजवासी को आवाज लगा के रोटी मांग के लावे। तो वो बेचारे महात्मा ने साहस भी किया पर कुत्ता इतने भोंके कि वो डर के मारे गए नहीं। बोले महाराज मिलेगा तो पता नहीं क्या, कोई जगेगा नहीं जगेगा, कुत्ता खा जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, तो भूख के मारे रोए गए, बालक ही थे। जैसे ही आगे बढ़े तो एक पीलू के झाड़ के नीचे एक महात्मा बैठे दिखाई पड़े, अकेले बैठे और लंगोटी शरीर पे, केवल दुर्बल शरीर, गौर वर्ण और उनके बड़े बड़े जटा, ऐसे गोल जटा बन रहे और ऐसी रज में ही बैठे महात्मा। एक करुआ रखा, जैसे स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा वाले करुआ लगते हैं ना, ऐसे करुआ उनके पास रखा और एक कपड़े में कुछ सामान जैसा था। महात्मा बैठे, दंडौत किया तो महात्मा बोले आओ बालक भगवान जल पी लो। तो हमने कहा ठीक है महाराज, जल पिलाओ करुआ का सुंदर ठंडा जल। फिर बोले खाली जल नहीं पीना चाहिए, खाली जल पेट में लग जाता है, कुछ खा लो तब जल पियो। तो भूख तो लगी रही थी, कहा ठीक है महाराज लाओ। तो आश्चर्य की बात है, उस समय रात्रि का 1:30 बज रहा था। कितना बज रहा था? 1:30, क्योंकि रंग जी का घंटा बजता ना वो सुनाई पड़ता, उससे अंदाजा लगा कि 1:30 बज रहा है। तो एक का घंटा तो पहली बज रहा था, 1:30 बज रहा होगा उस समय। उन महात्मा ने कपड़ा जैसे ही खोला, गरम गरम टिक्कड़, एकदम गरम और बढ़िया घी से तर, जैसे हाथ लगा के ब्रजवासी रोटी बनाते ना बिना परोथन की, तो ऐसी मोटा टिक्कड़, बढ़िया घी से तर और मिर्चा का और टेंटी का अचार, टेंटी और मिर्चा का अचार। बोले लो प्रेम से पाओ, भूखे हो प्रेम से पाओ। अब पाने लगे, इतना स्वाद आया, या तो ये समझो कि अब तक के वैसी भूखे ही नहीं लगी इसलिए स्वाद नहीं आया, पर इतना स्वाद आया, एक टिकड़ पूरा पा लिया, बोले और ले, ये दूसरा टिकड़ दे दिया, दूसरा पाया, पेट तो भर गया, इतने मोटे टिकड़ थे वो, 2 टिकड़ ही कम से कम 6-7-8 रोटी के बराबर होंगे, पर पेट भर गया पर मन नहीं भरा, मन करे कि और खावे, बोले और ले उनकी बाबा, नहीं नहीं एक और ले, तो एक और दिया, 3 टिकड़ पाए, एक उन पे बच गया। साथ में महात्मा थे, उनसे कहा तुम भी लो। बोले नहीं हम नहीं लेते। वो महात्मा बहुत आचार विचार संपन्न है, सब जगह का पाते नहीं, नहीं नहीं हम नहीं लेते। उन्होंने नहीं लिया, भूख नहीं होगी उनको। फिर उन्होंने सुंदर ठंडा जल पिलाया वो अपने करवा का, सुंदर मीठा ठंडा जल, सुंदर शीतल जल। फिर बोले अब परकम्मा पीछे करना, अब यहीं विश्राम करो। तो पा लिए थे खूब बढ़िया से प्रेम से डट के। तो हम दो ही वहां पीलू के झाड़ के नीचे रज में, देखो भाई दंडौती जरूर एक बार शरीर में सामर्थ्य हो तो करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रज में लौटने का आनंद तो दंडौती में मिलता है। तन पुलकित ब्रज रज में लौटत गोविंद कुंड में नहीं है। तो ब्रज रज में लौटने का अवसर तो दंडौती में मिलता है। लेट गए, सो गए, सोए तो सो ही गए, बढ़िया से सो गए। और जब सवेरे जगे तो वहां हमें तो महात्मा तो दिखे नहीं, या तो कहूं उठ के चले गए हो, जो भी हो, या केवल भोजन कराने ही प्रकट भय हो। तो हमें तो ये विश्वास उस दिन महाराज जी को हमने बताया, महाराज जी बोले बिल्कुल ठीक है पंडित जी, यहाँ राधा रानी 1:30 बजे 2 बजे भी कौए भूख लगे तो भूख को नहीं रहने देगी, इसलिए ब्रज में भोजन की चिंता मत करो और विश्राम की चिंता भी मत करो। मूल प्रश्न तो भोजन का है, चाहे सोने के महल में किसी को रख दिया जाए और भोजन न हो तो, और भली रहने की जगह ना हो, बढ़िया से प्रसाद पाने को मिल जाए फिर क्या कहना, फिर सब अभाव सहन किए जा सकते हैं। तो ठाकुर जी की दया है, ब्रज में कोई भूखा नहीं रह सकता है। घूरन पै के बीन चिन गटा, उनसे शरीर ढक लो, साधुन के पनवारे चुन चुन उदर पोसियत सीथिन, उनके प्रसाद कणों से अपने उदर पूर्ति कर लो। बस ये बात है कि वृंदावन
बसने का जो भाव है, वृंदावन वास की, ब्रजवास की जो पद्धति है, यदि हम कहें कि वो पद्धति क्या है, उस पद्धति का अनेक महापुरुष उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन प्रसिद्ध और प्रकट उदाहरणों में पूज्य पाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पंडित जी महाराज, ब्रजवास की पद्धति कैसी होनी चाहिए उसका वे उदाहरण थे। पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज, ब्रजवास की पद्धति कैसी होनी चाहिए उसका एक उदाहरण पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज। इसलिए जो को वृंदावन बसी जाने, जो को वृंदावन बसी जाने, वृंदावन बसी जाने, वृंदावन बसी जाने, जो को वृंदावन को वृंदावन बसी जाने। ब्रजवास की पद्धति क्या है? सब कछु तजे भजे हरि राधा, सब कछु तजे भजे हरि राधा, मन पूरण पण ठाने ठाने, मन पूरण प्रण ठाने ठाने, वृंदावन बसी जाने, जो को वृंदावन बसी जाने। ऐसा प्रण भीतर से कर ले, प्रतिज्ञा कर ले कि शरीर संसार की आसक्ति को तृण के समान त्याग करके अब अनन्य भाव से श्री राधा मुरलीधर का ही भजन करना है। छक्यो रहे भरी भाव निरंतर, छक्यो रहे भरी भाव निरंतर, करिली लारस पाने, रस पाने, रसिक संग रुचि रंग रचे नित, रसिक संग रुचि रंग रचे नित, प्रीति रीति उर आने, वृंदावन बसी जाने, जो को वृंदावन बसी जाने। छका रहे भाव में भरा रहे, युगल के प्रेम रस से छका रहे, कैसे? बोले लीला रस का पान करता हुआ, कथामृत नामामृत का, लीलामृत का रस का पान करता हुआ दिन रात छका रहे। रसिक संग रुचि रंग रचे नित, रसिकों के संग में नित प्रति श्री युगल की लीलाओं के अनुभव के रंग को रचे और उनकी प्रीति की रीति को ही अपने हृदय में धारण करें और अहमता ममता को हृदय में धारण न करें। और क्या करें? चकित नैन चाहे द्रुम बेली, चकित नैन चाहे द्रुम बेली, दंपति हित पहिचाने, दंपति हित पहिचाने, घूमत फिरत तीर यमुना के, घूमत फिरत तीर यमुना के, निधरक वे गुण गाने, निधरक वे
वृंदावन बस जाने जो को वृंदावन बस जाने जो को वृंदावन बस जाने जो को वृंदावन बस जाने वृंदावन बस जाने वृंदावन बस जाने वृंदावन बस जाने जो को वृंदावन बस जाने। अत्यंत चकित नेत्रों से यहाँ की लता को यहाँ के वृक्षों को निहारता रहे अनुभव करता रहे। यहाँ से प्रिया जी आ रही, यहाँ से लाल जी आ रहे हैं, अमुक लीला हो रही है। अपने भाव रस उपासना के अनुसार यहाँ के लताओं को यहाँ के वृक्षों को निहारता रहे और निरंतर युगल के हित का उनके सुख का विचार करता रहे। अपने सुख की भावना का त्याग कर दे और घूमत फिरत तीर यमुना के प्रेमोन्मत्त होकर यमुना जी के तीर पर विचरण करे। निधरक हुए गुण गाने एकदम निधरक होकर के युगल के गुणों को गान करता रहे। आस बास रज ही मेरा थे आस बास गाइए रज ही मेरा थे। ये रसिकाचार्यों की वाणी है, ये किसी सामान्य कवि की रचना नहीं है, साक्षात विशाखा जी का स्वरूप श्री हरिराम व्यास जी की रचना है। आस बास रज ही मेरा आस बास रज ही मेरा श्रम न करे भ्रम माने आनंद धन रस भीज रीज सो आनंद धन रस भीज रीज सो जन्म सफलता माने जन्म सफलता माने वृंदावन धनानंद जी महाराज की रचना है जो को वृंदावन बसी जाने। व्यास जी कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी, आहा यह तन वृंदावन जो पावे यह तन वृंदावन जो तो स्वार्थ परमार्थ मेरो तो स्वार्थ परमार्थ मेरो रसिक अनन्य निभावे रसिक अनन्य निभावे यह तन वृंदावन जो पावे यह तन वृंदावन जो पावे यह वास दासीन की दासी करी हरि मोही दासीन की दासी करी हरि राधा रमण दिखावे राधा रमण दिखावे यह बासना मेरे मन में
वृंदावन जो पावे यह तन वृंदावन जो पावे। यहाँ दासियों की भी हमें दासी बनाकर रखे, श्री राधा रमण का दर्शन हो और मेरे मन में युगल को छोड़कर ब्रजभूमि को छोड़कर और कुछ न रहे। हमारा स्वार्थ भी ब्रज हो, हमारा परमार्थ भी ब्रज हो और अनन्य रसिकों को छोड़कर हमारा और किसी से कोई नाता रिश्ता न रह जाए। पुण्य पुंजते प्रेम भक्ति रति, पुण्य पुंजते प्रेम भक्ति रति, कुंज बिहार बतावे बतावे सर्वोपरि रस रीति प्रीति को, सर्वोपरि रस रीति प्रीति को बारिधि व्यास बढ़ावे, बारिधि व्यास वृंदावन जो पावे ये तन वृंदावन जो पावे, यही तन वृंदावन जो पावे, यही तन वृंदावन जो पावे। श्री प्रबोधानंद जी कह रहे, भैया तुमने सब कुछ भोग लिया, संसार के चक्र में पड़कर पहला जन्म तुम्हारा है नहीं, कभी देवता भी बने होगे, कभी इंद्र भी बने होगे, कौन सा भोग नहीं भोगा, राजा भी बने होगे, विद्या भी खूब प्राप्त की, दान भी खूब किया, यज्ञ भी खूब किए, पूजा प्रतिष्ठा मान बढ़ाई खूब प्राप्त की, खूब जय जयकार हुई तुम्हारी, खूब यश प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी तुम्हारी दुख की परंपरा नहीं मिटी, क्योंकि तुम्हें सब कुछ मिला पर ब्रजवास नहीं मिला। इसलिए भैया ब्रजवास कर लो, आज ही आ जाओ ब्रज में, प्रतीक्षा मत करो आगे भविष्य की, अभी निश्चय कर लो, आज ही निश्चय कर लो। और क्या करें, बोले यहां फिर गुजर बसर की चिंता भी मत करो कि हम क्या खाएंगे और कहां रहेंगे, ठाकुर जी श्री जी के सहारे हो जाओ, यहां आधी रात को भी भूख लगेगी तो गरम गरम टिक्कर मिलेंगे घी से तर, इसलिए चिंता मत करो। और बस एक बात है, यहां अपने गुणों को छिपा कर रहना एक बहुत ऊंची बात है। कहते हैं अद्याहारे यादृच्छिक उर गुणवान नप्यहो समृतात्मा, कहते भले ही तुम्हारे में बड़े बड़े गुण हो पर उनको प्रकट मत होने देना ब्रज में। ए सीधी सी बात है, जहां गुण होए ना वह मक्खी आवे, ये गुणों से गुणों हो, गुणवान होने पर भी अपने गुणों को छिपाकर रखना। कैसे, जैसे पूज्यपाद अनंत श्री संपन्न सद्गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज ने अपनी महिमा को, अपनी गरिमा को, अपने गुणों में गुणों को पूरे जीवन भर छिपाया। कोई कोई तो अपने को प्रकाशित करते हैं, महाराज जी ने पूरी ताकत अपने को छिपाने में लगा दी। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पूज्यपाद श्री पंडित जी महाराज कहां अपने को प्रकाशित करना चाहते। गुण माने होता रस्सी, गुण माने होता बंधन। देखो हम आपको एक अनुभूति सुनाएं। महाराज जी के श्री चरण कमलों में शिव वृंदावन में आश्रय मिला, पढ़ते फक्कड़ जैसे रहते, एक तौलिया लगाए पूरे वृंदावन में घूम आते,
कोई परवाह नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। क्यों? कि हमको कोई नहीं जानता था। तो चाहे जितनी देर तक तो निधिवन में बैठे रहो, चाहे सेवा कुंज चले जाओ, और चाहे जितनी देर राधा वल्लभ जी दर्शन करो, चाहे जितनी देर बिहारी जी दर्शन करो, कहीं कोई पूछने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि कथा नहीं कहते थे। पढ़ते तो थे, महाराज जी के चरणों में रहते थे, लेकिन कथा नहीं कहते थे। तो इतना सुख था, कोई पूछे बारो नहीं। हाँ, धक्का और मिलते कहीं जाओ तो धक्का और मिलते, बाबा दूर चल, और उसमें बड़ा सुख था। अब ऐसी हालत है कि हम बार बार हाथ जोड़े हों, कहें भैया ठाकुर जी के सामने किसी को भी प्रणाम करना 32 अपराधों में एक अपराध होता है, पर कौन सुने महाराज? बिहारी जी राधा वल्लभ जी तरफ तो पीठ कर दें और वहीं दंडोत करने लग जाए। अब दर्शन का सुख भी नहीं रह गया। इसलिए ब्रजवास करने की एक बात और है, बोले भैया ब्रज में आ जाओ, ब्रज में बस जाओ, अपनी विद्या को छिपा लो, अपने गुण को छिपा लो, अपनी महिमा गरिमा को छिपा लो। एकदम यहाँ तो परमहंस अवधूत बनकर, जड़ भरत बनकर के यहाँ निवास करो। जितना यहाँ की रज से मिलकर वास करोगे, उतना सुख यहाँ मिलेगा। एक महात्मा हमको मिले जयपुर में, दंडोत करवे लगे, बड़े अच्छे संत हैं। तो हमने कहा महाराज आप तो बड़े विद्वान हैं, बड़े स्थान के महंत हैं, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, आप क्यों प्रणाम करते हैं? आप तो बड़े हैं, तो हमें याद नहीं है। उन्होंने एक रचना सुना दी बड़े के ऊपर। बोले बड़े ऐसे नहीं बनते हैं, दाल के बड़े बनते हैं। पहले भीजना पड़ता है, फिर सुल्लोड़ी की रगड़ खानी पड़ती है, फिर तेल की कड़ाही में उबलना पड़ता है, फिर जाकर दही बड़ा बनते हैं। तो महाराज ये बड़ा मत बनाओ, नहीं कोई खा जाएगा हमें। हाँ, हम तो जैसे हैं वैसे बनो रहेंगे। बड़ी कविता सुनाई हमें, कविता तो याद नहीं, लेकिन उनका बड़ा विचित्र भाव। इसलिए आप बड़े बड़े हो ये मत करो, बड़े कहोगे तो कोई खा जाएगा। हाँ, बड़े ने बड़े खावे लोग प्रेम से। इसलिए यहाँ एकदम ठाकुर जी के ऊपर निर्भर हो करके, जहां रखें जैसे रखें जो खिलावें, बस उनके अधीन हो करके, अपने गुणों को छिपा करके, श्रीमद वृंदावनेस्मिन् सतत मट सखे। अरे सखे निरंतर ब्रज में विचरण करो, सर्वतो मुक्त संगः, चारों ओर से मुक्त संग हो करके, आसक्ति शून्य हो करके ब्रज में निवास करो। ओ हो हो, विचित्र बात, ये धाम निष्ठा की पराकाष्ठा। ये सुन लेना, ऐसा करना मत। आगे का जो हम भाव कह रहे हैं प्रभुदानंद जी का, उसको केवल सुन लेना, नहीं कहना नहीं। ऐसी कोई समस्या आ जाए तो कह दो कि वो पंडित जी कह रहे थे, व्यास जी कह रहे थे कथा में चंद्र सरोवर में बैठ के, तो हम तो उनके आदेश का पालन किया, हमें सजा नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा करना मत आगे जैसा लिखा है। इसलिए पहले सावधान कर रहे हैं। श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, वृंदारण्यम त्यजेत प्रवदति यदि कोप्यस्य जिह्वां छिनद्मि, श्रीमद वृंदावनान् मां नयति यदि बलात् कोपितं हन्यवश्यम्। कामं वेश्यामुपेयां न खलु परिणया, यान्यतो यामि कामं चौर्यं कुर्यां धनार्थं न तु चलति पदं हन्त वृंदावनान्। पराकाष्ठा है, कहते कोई यदि हमसे आकर कहेगा कि तुम वृंदावन से चले जाओ, तो मुझे इतनी पीड़ा होगी मैं उसकी जिह्वा काट लूंगा। कोई हमसे कहे कि तुम ब्रज से निकल जाओ चले जाओ, तो मैं रोष पूर्वक उसकी जिह्वा काट लूंगा। यदि कोई बलपूर्वक मुझे ले जाने का प्रयत्न करेगा, तो
तो वैसे मैं महात्मा हूं, सन्यासी हूं, सन्यासी को क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती मुझे ब्रज की सीमा के बाहर खींच के ले जाएगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, उसे मैं समाप्त कर दूंगा। श्रीमद वृंदावनान माम यदि नयति बलात् कोपितम हन्यवश्यम्। तब उनसे कहा, वृंदावन में तुम्हारा कहीं गुजारा न हो और कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाए, ऐसी परिस्थिति होगी नहीं, इसको कहते हैं धाम निष्ठा की पराकाष्ठा की भक्ति की भी सीमा की भक्ति। ये भाव श्रव्य हैं, अनुकरणीय नहीं, ये भाव की पराकाष्ठा, भाव की इस पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए महापुरुषों से ऐसी कोई विपरीत क्रिया होती नहीं है, पर उनकी भावना धाम के प्रति इतनी दृढ़ है कि कथनचित ऐसा मेरे साथ कोई करेगा तो मैं, वह मेरा शत्रु होगा, मैं उसकी जिह्वा काट दूंगा, उसे समाप्त कर दूंगा यदि मेरा धाम कोई छुड़ाता है तो। बोले भाई वृंदावन में तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, क्या करोगे? बोले कहीं गुजारा नहीं होगा, कहीं तो होगा। कहते तुमको किसी वेश्या के घर में रहना पड़ेगा, उसका सेवक बन के रहना पड़ेगा। क्या कहते उसको, वेश्या के सेवक को क्या कहते, कुछ शब्द है उसका, हैं? बड़ुआ कहते हैं, हैं बड़ुआ कहते हैं। तो बोले उसका भड़ुआ बन के रहना पड़ेगा, उसका परिचारक बन के रहना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, वृंदावन में किसी वेश्या के घर में नौकरी करके गुजारा करना पड़े तो रह जाऊंगा। ऐसा कभी किसी को करना नहीं पड़ा, पर ये भाव की बात है। कहते महाराज मान लो वहां से भी निकाल दिया जाए और बलपूर्वक तुमसे कोई धन मांगे, धन की जरूरत पड़े, तो बोले मैं राहजनी करके भी गुजारा कर लूंगा, चौर्य कर्म करके। किंतु मेरे प्यारे, मैं अपने हृदय की बात तुमसे कहता हूं, मैं मर भले ही जाऊं पर वृंदावन के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं वृंदावन के बाहर नहीं जाऊंगा। चलती न तू चलती पदम हंत वृंदावना में, मैं नहीं जाऊंगा ऐसा नहीं, मेरे पैर ही वृंदावन के बाहर गति नहीं करेंगे, मेरे पैर इतने अनुरागी हो गए हैं कि वो ब्रज की सीमा के बाहर जाने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर भी ऐसे ही हैं, जैसा ठाकुर वैसा सेवक। ठाकुर कैसे हैं? बोले वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वो भी वृंदावन छोड़ के एक पग नहीं जाते, तो हम उनके सेवक वृंदावन छोड़ के क्यों जाएंगे? बाबा बड़ी ऊंची बात आगे के छंद में कह रहे हैं कि ब्रजवास करना चाहते हो? बोले हाँ, बसना तो चाहते ब्रज में, ब्रज में वास करके ब्रज के चिन्मय रस की अनुभूति करना चाहते हो? बोले हाँ, वो भी चाहते हैं। किसी भी अवस्था में ब्रज के बाहर न जाना पड़े ये चाहते हो? बोले हाँ, ये भी चाहते हैं। तो प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, फिर हमारी बात मान लो और हम जैसे कहते हैं वैसे रहो तो ये तुम्हारे सब मनोरथ पूरे हो जाएंगे। तुम वृंदावन के बाहर नहीं जाओगे, ब्रजरज की प्राप्ति हो जाएगी, इन्हीं नेत्रों से इसी जीवन में युगल सरकार का दर्शन हो जाएगा, उनकी लीलाओं का अनुभव हो जाएगा। पर हम जिस पद्धति का निर्देश कर रहे हैं उस पद्धति को तुम भाव से स्वीकार कर लो। बहुत प्यारी बात है बाबा, बहुत प्यारी बात है। क्या करें, हम लोगों की हमारी पात्रता नहीं है, हम उसे मान नहीं पा रहे हैं, लेकिन यदि कोई भी जीव मान ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। कैसे? वृंदावन वास करो। ब्रजवास की पद्धति क्या है? परिहासे प्यन्या प्रिय कथन मुकोति बधिरा
परेशां दोषानुस्रुति मनुविलोकेन्द्रनयना शिलावन्निश्चेष्टः परबपुषि बाधा लव विधौ कदावत्स्याम्यस्मिन् हरिदयित वृंदावन वने। इस पद्धति से मैं भगवान के प्राण प्यारे वृंदावन में कब वास करूंगा? ये पद्धति क्या है? बोले मैं हास परिहास में भी कभी किसी ब्रज के जीव को अनुचित शब्द नहीं कहूंगा। लोग कहते भैया हम तो हंसी कर रहे हैं। हमारे महात्मन में एक कहावत है, लड़ाई की जड़ हांसी और रोगन की जड़ खांसी। 3 सप्ताह तक खांसी बंद न हो तो टीवी सेंटोरियम में जाकर चेक कराओ, लड़ाई की जड़ हांसी। लोग कहें कि हंसी हंसी में महाभारत है गई, हैं? इसलिए भैया वृंदावन वास की पद्धति है, हास परिहास मत करो। किसी भी ब्रजवासी के प्रति कठोर वाणी या अनुचित वाणी न निकल जाए। परिहासे प्यनन्या प्रिय कथन मुकोति बधिरः। हास परिहास में भी, हास परिहास में भी किसी को अन्य चर्चा नहीं करूंगा, अप्रिय लगने वाली बात नहीं कहूंगा, ऐसी चर्चा के लिए गूंगे बन जाओ। झूठी प्रशंसा भी मत करो, बुराई भी मत करो, अन्य चर्चा मत करो। सीधी सी बात, जितना तुम्हारे व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है उतना करो, बहुत ज्यादा मत बोलो। हमें पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज की एक बात स्मरण में आती है। बाबा कहते कि बहुत पुरानी बात, जब श्री बाबा पंडित जी महाराज की विशेष सेवा में विराज थे, तो कहते पंडित जी महाराज की अंतर्मुखता ऐसी बढ़ गई कि बहुत समय तक पंडित जी महाराज साधकों के पूछने पर एक ही बात स्लेट पर लिखते, अनुगत्य। क्या लिखते? कोई पूछ तो साधना की बात, कल्याण की बात, तो पंडित जी अपनी स्लेट पे लिखते अनुगत्य। अनुगत्य माने यदि ब्रज में तुम सफल साधन करना चाहते हो तो किसी न किसी भगवत अनुरागी संत के अनुगत हो जाओ। और अनुगत्य शब्द को ही लंबे समय तक पंडित जी साधकों को उपदेश देते रहे। जैसे ब्रह्मा जी के पास देवता पहुंचे, अब मनुष्य पहुंचे और दानव पहुंचे, बोले महाराज हमें उपदेश दो, तो ब्रह्मा जी बोले द, क्या बोले? द। तीनों चले गए। अब तीनों ने विचार चिंतन किया, ब्रह्मा जी ने कहा क्यों समझे हमारे उपदेश का आशय? बोले हाँ समझे, देवताओं से पूछा तुमने क्या समझा? बोले महाराज आपने हमसे ये कहा कि तुमने बहुत पुण्य किए, यज्ञ किए, दान किए, तो स्वर्ग में देवता बने, और देवता बनकर तुम भजन नहीं करते हो, खाली भोग भोगते रहते हो, इसलिए तुमको राक्षसों से भी नीचा देखना पड़ता है, कई बार स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ता है, इसलिए तुम भोगों को भोगो कम, इंद्रियों का दमन करो, हमें दमन का उपदेश आपने दिया है। बोले बिल्कुल ठीक समझा तुम, इंद्रियों का दमन करके रहोगे तो तुमको स्वर्ग से कभी बहिष्कृत नहीं होना पड़ेगा। दैत्य आए, दानव, तुमने क्या समझा? बोले हमने समझा यही कि हम तो देखने में तो आदमी जैसे ही हैं, हम दानव हैं क्यों? क्योंकि हमारे भीतर दया नहीं है, इसलिए आपने हमको दासे कहा कि तुम सब जीवों पर दया करो तो तुम भी देवता हो जाओ। बिल्कुल ठीक समझा, जो दया करता उसी को तो महात्मा कहते हैं, और जो निर्दयी होता वही दुष्ट होता, वही दैत्य होता है। आपने ठीक समझा।
मनुष्यों से पूछा तुमने क्या समझा, मनुष्यों ने कहा ब्रह्मा जी हमने आपके दाक अर्थ ये समझा, हम लोग लोभ पूर्वक दिन रात कमाने में लगे रहते हैं, उसको अच्छी जगह खर्च नहीं करते और जानते भी हैं कि मरने के बाद फूटी कौड़ी भी साथ जाएगी नहीं, फिर भी हम दान नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप हमको द माने दान करो, सुपात्र को दो, अच्छे काम में धन को लगाओ, ये आप हमसे कह रहे हैं। बोले बिल्कुल ठीक समझा। तो मनुष्यों को द माने दान, असुरों को द माने दया और देवताओं को द माने दमन। अक्षर एक ही है पर तीनों को उपदेश मिल गया। अत्यंत मितभाषी पंडित जी ने अनुगत्य कह करके सब तरह के साधकों को शिक्षा दे दी, अनुगत्य। तो श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि हास परिहास में भी ब्रजवासी के चित्त को पीड़ा पहुंचाने वाली बात कहने के लिए तुम यदि ब्रज में रहना चाहते हो तो गूंगे होकर के रहो, अन्य चर्चा करने के लिए गूंगे हो जाओ, भगवत लीला गाने के लिए मुखरित हो वाणी, बाकी तुम गूंगे हो जाओ। और श्री प्रिया प्रीतम की चर्चा को छोड़ करके, यहाँ के नित्य सिद्ध रसिकों की चर्चा को छोड़ करके, यदि तुम्हारे सामने कोई संसार की चर्चा करता है, विषय की चर्चा करता है, तो उसके लिए तुम बहरे हो जाओ, अन्य चर्चा न करना और न अन्य चर्चा सुनना। ये ब्रजवास की पद्धति है पंडित जी, बहरे होके रहो, गूंगे होके रहो, बहरे हो जाओ, किसी की मत सुनो, कथा सुनने के लिए कान वाले बनो और बाकी बहरे हो जाओ। परिहा परिहा से प्यन्या प्रिय कथन मुंह को ति बधिरा परेशान दोषानुश्रुत मनु विलोकेन्द्रनयना। अरे साधक, अरे ब्रजवास करने वाले साधु साधक उनको कह रहे हैं कि दूसरों के दोषों के दर्शन के लिए तुम अंधे हो जाओ। जैसे अंधे कुछ नहीं दिखाई पड़े, ऐसे ही किसी के गुण दोष मत देखो, केवल युगल सरकार का ध्यान करो और कुछ मत देखो, नहीं देखोगे तो इस चक्कर में पड़ जाओगे, इसलिए दूसरों के दोष दर्शन के लिए अंधे हो जाओ। और क्या करें, बोले ब्रज में रहकर लोग बड़ी बड़ी प्रवृत्ति करते हैं, ये काम वो काम यों त्यों, क्या करें। प्रबोधानंद जी कहते हैं ब्रजवास करना चाहते हो तो पत्थर के जैसे हो जाओ। कैसे हो जाओ, पत्थर के शिलावन निश्चेष्टः, पत्थर के समान निश्चेष्ट हो जाओ। यहां एक पत्थर पड़ा है, पड़ा है, चाहे जितना पानी बरसे भीतर नहीं आएगा, और कोई उठा के रख दे तो आ जाएगा, और चाहे जितनी ठंड पड़े धूप सेकने बाहर नहीं जाएगा, जहां पड़ा है वहां पड़ा है। इसका मतलब है संसार की प्रवृत्ति तो बाहर बहुत कर ली, अब प्रवृत्ति का त्याग करके निश्चेष्ट हो जाओ, पत्थर के समान हो जाओ, जहां ठाकुर जी रखे वहीं पड़े रहो आनंद से, ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। शिलावन निश्चेष्टः पर बपुषि बाधा लव विधौ। आहा, कहते दूसरे के शरीर को लेश मात्र भी कष्ट न पहुंचे ऐसा विचार कर पत्थर के समान निश्चेष्ट होकर के रहो। हे नाथ, हे श्री हरे, हे श्री चित्तचोर, कदा वत्स्याम्यस्मिन् हरि दयित वृंदावन बने, वृंदावन बने, इस पद्धति से मैं वृंदावन वास कब करूंगा। आगे का जो श्लोक है वृंदावन महिमामृत का, इसका उच्चारण जब धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी करते थे तो हमने तो देखा नहीं है इस दृश्य को, हमारे महाराज जी कहते थे
कि श्री कर्पात्री जी महाराज इस श्लोक को बोलकर रोने लग जाते थे। क्या निष्ठा है वृंदावन धाम के प्रति श्री प्रबोधानंद जी महाराज की। वो कह रहे हैं, सोढ्वापि दुखानि, सोढ्वापि दुखानि सुदुस्सहानि त्यक्त्वाप्यहो जाति कुलादिकानि भुक्त्वा स्वपाकैः अपिथूत्कृतानि वृंदाटवीवासमंकरिष्ये। इसको कहकर के कर्पात्री जी महाराज रोने लग जाते थे। कैसी धाम निष्ठा है। कहते हैं, जिन कष्टों को दुखों को कोई सह न सकता हो, ऐसे दुख समूह को भी सहकर जाति और कुल के अभिमान को त्याग कर यदि वृंदावन के स्वपच के ब्रज के भंगी के मुख से थूका हुआ उबला हुआ अन्न खा करके भी मुझे प्राण रक्षा करनी पड़े तो भी मैं ब्रज के बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसी निष्ठा होगी, उसको ऐसा कभी करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये निष्ठा की बात है, वृंदावन के स्वपच के रहिए सेवक हो, उसके सेवक बन करके हो। जिस रज को ब्रह्मा जी चाहते हैं, शंकर जी चाहते हैं, कमला लेत बलैया, उस रज रानी की सेवा में यहां का स्वपच दिन रात लगा रहता है, झाड़ू वाड़ू करता है, रज की सेवा करता है। ओ महाराज, ब्रजवासी जो स्वपच है ना, वो बड़े विचित्र हैं। हमारे वृंदावन की घटनाएं, हमारे मोहल्ला की, हमारे मोहल्ला में एक मंदिर है, टिकारी मंदिर, ये जगन्नाथ घाट के पहले टिकारी मंदिर, बड़ा अद्भुत मंदिर है। आप कभी वृंदावन आए तो टिकारी मंदिर देखें, क्या कलाकृति है मंदिर में, क्या टिकारी, बिहार की स्टेट है टिकारी, वहां के राजा ने, वहां की रानी ने मंदिर बनाया था। वहां की रानी बड़ी कृष्ण भक्ता थी और साधुओं के प्रति उसका बड़ा अनुराग था। बड़ा अद्भुत मंदिर बनाया महाराज उस जमाने में, टिकारी मंदिर प्रसिद्ध है। कलाकृति में हमारे वृंदावन में दो मंदिर बड़े हैं, एक जयपुर मंदिर और एक ये टिकारी मंदिर। ये कलाकृति बड़ी अद्भुत है वहां। तो टिकारी की महारानी आ रही थी, उस समय जमाना राजाओं का था, राजाओं का जमाना था, रियासती जमाना था, ज्यादा पुरानी बात नहीं, अंग्रेजी शासन की बात है, ये बात 100 साल पुरानी होगी। तो टिकारी की महारानी आ रही थी, तो उसमें राजा रानी जी वृंदावन आते थे, उनके साथ पालकी चलती थी, छड़ी चलती थी, हाथी घोड़े भी रहते थे। महारानी तो महारानी, टिकारी महारानी, तो टिकारी महारानी पालकी में बैठ के आ रही और उसके सिपाही कर पहरेदार कर्मचारी वो सब चल रहे, हटो हटो होशियार सावधान खबरदार, महारानी साहिबा टिकारी पधार रही है। तो लोग रास्ता खाली कर देते कि रानी आ रही है, रास्ता खाली करो। पर्दा लगा करके रानियां चलती थी, वो पर्दा में रहती थी, बाहर नहीं देखती थी। तो ज्ञान गुदरी में जैसी वाकी पालकी आई, तो ज्ञान गुदरी में एक भंगिन वो झाड़ू लगा रही, वो नहीं हटी, सिपाहियों के कहने पर भी नहीं हटी, खबरदार होशियार और तन के खड़ी है। और जोर से बोली, वाई की भाषा में बोल रहे हैं, वैसे ऐसे शब्द हम उच्चारण नहीं करते हैं, लेकिन उसी की भाषा में बोल रहे हैं। वो भंगिन बोली, बोले हे हल्ला मत करे, हाँ यहां सबसे बड़ी है राधा महारानी, वाके बाद है जमुना पटरानी और तीसरी है रजरानी, और इन तीनन की सेवा करवीवारी, चौथी में महतरानी, पांचवी राण यहां कहां थे चली आई, ऐसे बोले। क्या कहा उसने, कि सबसे बड़ी राधा रानी
और इनके बाद जमुना महारानी जमुना पटरानी और तीसरी रजरानी और तीनों की तीनन की सेवा करविवारी चौथी में मेहतरानी, ये पांचवी राण कहां थे चली आई। और टिकारी की रानी ने जैसी सुनी, वो परम भक्ता थी, उसने उसी समय पालकी त्याग दी और भंगिन के चरणों में प्रणाम किया। बोले मैं टिकारी रानी जरूर हूं पर तेरे जैसा सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं है। और उसके बाद रानी ने निश्चय किया कि मैं जब भी वृंदावन आऊंगी यहां पालकी पे नहीं चढ़ूंगी, यहां तो रज में पैदल चलूंगी। वृंदावन के स्वपच के रहिए सेवक हो गए। बहुत सुंदर श्लोक है। सोढ्वापि दुःखानि सुदुःसहानि त्यक्त्वाप्यहो जातिकुलादिकानि भुक्त्वा स्वपाकैरपिथूत्कृतानि वृन्दातविवासमहं करिष्ये। यहां एक गोवर्धन के एक ब्रजवासी बालक को कोई नौकरी मिल गई दिल्ली में। कछु दिना तो नौकरी करी, बाद में छोड़ के चलो आयो। तो उनके परिवार के लोगों ने हमसे कही कि महाराज जी ये देखो आजकल नौकरी तो मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिली थी और ये छोड़ के चलाया गिरिराज जी में। कहता और कोई काम धंधा करूंगा यहीं रहूंगा, मैं वहां दिल्ली नहीं रहूंगा, तो आप समझा दो। हमने कहा ठीक है हम समझाते हैं। तो हमने उसको कहा कि देखो माता पिता ने इतना खर्च किया पढ़ाई लिखाई में तुम्हारे, और वृत्ति के लिए कहीं रहना हो कोई बात नहीं, दिल्ली दूर थोड़ी है, तुम जब चाहो तब शनिवार रविवार यहाँ रह सकते हो, आ सकते हो, छुट्टी भी मिल सकती है, पर क्यों नौकरी छोड़ के चले आए, अभी भी नौकरी मिल जाएगी चले जाओ। वो हमारी बात सुनता रहा पर बोलो बाबा एक बात बताऊं, बुरो मत मानियो। बुरो काय को मानेंगे, तुम ब्रजवासी मुंह फट तो होते ही, बुरो मत मानियो, आप इतनी देर से हमको समझाए रहे। देख बाबा यहाँ गधा पंजीरी खा रहे हैं, गधाने पूरी खाए हुए मिल रही है और सुअर दूध पी रहे हैं, गिरिराज जी पे तो एक दूध चढ़े के सुअर पिए दूध है। भोले गधा तो पंजीरी खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं और सुअर दूध पी रहे हैं, और मैं गोवर्धन में पैदा भयो ब्रजवासी ब्राह्मण मोए का गिरिराज जी भूखो मार देंगे। बाबा किते को समझाओ, मैं ना जावे बारो। हमें तो बहुत अच्छी लगी उसकी बात। मैंने कहा भैया बुरी नहीं लगी पर बहुत अच्छी लगी, धन्य तेरी निष्ठा है। उसने कहा कि गधा तो पंजीरी पूड़ी खा रहे हैं और सुअर दूध पी रहे हैं और हमें कहा गिरिराज बाबा भूखो मार देगो, इसलिए बाबा हम नहीं जा रहे बाहर। तो भैया धाम की निष्ठा वृंदाटवी वास करिष्ये। नाहं गमिष्यामि सतां समीपतो नाहं बदिष्यामि निजं कुलादिकं नाहं मुखं दर्शयितास्मि कस्यचित् वृंदाटवी वास कृतेति साहसी। कहते मैं संतों से कभी दूर नहीं जाऊंगा। ये बात बड़ी ऊंची है, चाहे नाम निष्ठा हो या धाम निष्ठा हो या स्वरूप निष्ठा हो या लीला निष्ठा हो या व्रजरज की निष्ठा हो या भगवान की कथा रस की निष्ठा हो, कोई भी निष्ठा साधक में उत्पन्न ही तब होती है और पुष्ट ही तब होती है जब वह निश्चय कर लेता है कि मैं अपने जीवन में कभी संतों से विमुख नहीं होऊंगा। ठाकुर जी ते बाबा और कछु मत मांगो पर एक बात मांगो कि अंतिम क्षण तक संतन को संग।
जब हमारी अंतिम श्वास चल रही होए तब भी काऊ काऊ न काऊ प्रेमी अनुरागी संत की करुणा भरी दृष्टि हम पे पड़ रही हो। श्री प्रबोधानंद जी कहते संतों के संग से मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा। संतों से विमुख हुए नहीं कि सब निष्ठाएं जय सियाराम, और संतों के संग में बने रहोगे तो सारी निष्ठाएं धीरे धीरे तुम्हारे भीतर अवतरित हो जाएंगी, परिपक्व हो जाएंगी, एक एक करके सब निष्ठा आ जाएंगे, एक एक निष्ठा की बड़ी बड़ी महिमा है, एक एक निष्ठा की, एक ही निष्ठा कोई धारण कर ले, केवल इतना निष्ठा पूर्वक कर ले कि नित्य प्रातःकाल उठकर ब्रजरज मुख में लेना है, ब्रजरज मस्तक पर धारण कर, इतनी ही निष्ठा कर ले, इतने से ही काम बन जाए, एक एक निष्ठा। स्कंद पुराण में श्री पुरुषोत्तम महात्म्य में लिखा है निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचन इति सत्य प्रतिज्ञोयः प्रत्यहं तच्च भक्षयेत् सर्व पाप विशुद्धात्मा शुद्धांत करणो नरः स शुद्धम वैष्णवस्थानम क्रमाद्याति न संशयः। भगवान व्यास कह रहे हैं, भगवान व्यास कह रहे हैं कि श्री जगन्नाथ भगवान का आधरामृत निर्माल्य, नियम की बात बता रहे हैं बाबा, श्री जगन्नाथ महाप्रभु का निर्माल्य जो सूखा चावल होता है ना उसको निर्माल्य कहते हैं, वो सूखा चावल रोज ग्रहण करूंगा उस जगन्नाथ महाप्रभु के महाप्रसाद को लिए बिना कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, ऐसी जिसने प्रतिज्ञा कर ली है उसका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, उसकी वृत्ति निर्मल हो जाएगी, उसके हृदय में प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति का उदय हो जाएगा और उसे निश्चित भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं। अब देखो केवल महाप्रसाद की निष्ठा, केवल ब्रजरज की निष्ठा, केवल श्री चरणामृत की निष्ठा, पर ये सारी निष्ठाएं बलवती तब होंगी जब संतों का संग मिलेगा। सत्संग नहीं मिलेगा तो कोई निष्ठा जगेगी नहीं, और कमजोर भले ही हो जाए पर निष्ठा जगेगी तभी जब संतों का संग मिलेगा, नहीं तो निष्ठा नहीं जगेगी। इसलिए नाहं गमिष्यामि सतां समीपतो, मैं सज्जनों के समीप से कभी दूर नहीं जाऊंगा। नाहं बदिष्यामि निजं कुलादिकं, मैं अपने कुल अपनी महिमा को नहीं बताऊंगा। प्रबोधानंद जी सामान्य महात्मा नहीं है, ये बात ध्यान से सुनने की है। प्रबोधानंद जी महाराज सामान्य महात्मा नहीं है। श्रीमत प्रकाशानंद सरस्वती के रूप में जब आप काशी में विराजते थे उस समय एक प्रधान मठ के वे अधिपति थे काशी में, और महाराज जी इतना ही नहीं 10,000 सन्यासी उनके शिष्य थे। कितने शिष्य थे? आज बाबा प्रचार को युग है पर हमारी जानकारी में नहीं कि कोई भारतवर्ष में ऐसा विरक्त महात्मा हो जाके 10,000 सन्यासी चेला हो, हमारे ध्यान में नहीं है। और वे 10,000 सन्यासी ऐसे वैसे नहीं थे, कंचन और कामनी के स्पर्श से सर्वथा मुक्त परम वीतराग परम विरक्त 10,000 यतियों के गुरु थे वो। और उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ और लोगों ने कहा एक चैतन्य नाम के युवा सन्यासी हैं, वो तो सन्यास धर्म की खिल्ली उड़ा रहे हैं, सन्यासी को नाचना गाना नहीं चाहिए, वो हरिबोल हरिबोल करके नाचते हैं और दूसरों को नचाते हैं, तो आप इतने बड़े यतिराज हैं तो आपको समाज में कोई अनुचित करता है तो उस पर आपको प्रतिबंध लगाना चाहिए। कथा आप सब जानते हैं, पत्र व्यवहार भी हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ भगवान का अधरामृत प्रसाद प्रेम पूर्वक पाते थे वह भी उनको सहन नहीं था कि भगवान के प्रसाद के नाम पर इतने पदार्थों को आरोपते हैं, ये ठीक नहीं,
उन्होंने चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि विश्वामित्र पराशर प्रवृत्तयः वाताम्बूपर्णासनाः, विश्वामित्र पराशर आदि ऋषि कोई जल पी के रहते थे, कोई पत्ता चबा के रहते थे, कोई वायु पी के रहते थे, और वे भी स्त्रियों का मुख देख कर अपनी तपस्या को गमा बैठे। ते पिस्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहंगताः, वे मोह को प्राप्त हो गए, उनकी तपस्या का क्षय हो गया। और ये शालिन्यम शालिन्यम सघृतम, जो बढ़िया सुंदर शाली नामक चावल, उसमें घी पड़ा हुआ है, दूध पड़ा हुआ है, ऐसे बढ़िया बढ़िया पकवान पा रहे हैं भगवत प्रसाद के नाम पर, उनकी दशा क्या होगी? ये पूछा महाप्रभु जी से, आप सन्यासी हो के ऐसा क्यों पाते हो, आपको नहीं पाना चाहिए। महाप्रभु जी ने उत्तर लिखवाया और महाप्रभु जी ने कहा कि कबूतर कंकड़ चुगता है पर महाविषयी होता है, और सिंह मांस भक्षण करता है पर एक बार ही रति करता है वर्ष में, इसलिए ये तो चित्त की वृत्ति की बात है। और कथा लंबी है, पहले हम कह चुके हैं, अंत में जब श्री तपन मिश्र के यहाँ महाप्रभु जी पुनः लौट करके जब पधारे और पधारे तो आयोजन रखा गया प्रसाद का, उसमें सबको निमंत्रित किया गया, प्रकाशानंद जी को महाप्रभु जी को भी निमंत्रित किया गया। और महाप्रभु जी जब वहां पधारे तो उनका तो क्या कहना, महाप्रभु का दैन्य भाव, आहा क्या कहना, तृणादपि सुनी चेन। ये जो महाप्रभु जी का दैन्य भाव है, महाप्रभु जहाँ यति यति वृंदों ने अपना पाद प्रक्षालन किया था उस भूमि पर वे विराजमान हो गए, सारी सभा उद्भासित हो गई। और उठकर के प्रकाशानंद जी स्वयं पधारे और उन्होंने कहा, श्रीपाद यह स्थल आपके लिए उपयुक्त नहीं है, आपके लिए सुंदर सिंहासन विराजमान है, आप सिंहासन पर बैठ करके हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते। महाप्रभु जी ने कहा, आप लोग सब उत्तम सन्यासी हो, हमारे जैसे धर्म भ्रष्ट सन्यासी के लिए यही स्थान उपयुक्त है, आप लोगों की चरणरज मिल जाए वही हमारे लिए श्रेयस्कर है। लेकिन नहीं नहीं, आग्रह पूर्वक जब उठा कर ले गए और जब संवाद हुआ तो एक ही संवाद में महाप्रभु जी ने प्रकाशानंद जी के सारे प्रश्नों का खंडन कर दिया। पूरा प्रकरण है लंबा, और इसके बाद प्रभावित तो हुए प्रकाशानंद जी, लेकिन अभी समर्पण नहीं किया था। पर बिंदु माधव के यहाँ जब महाप्रभु का कीर्तन हो रहा था, हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः, इत्यादि प्रकार से महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे, हजारों हजारों खोल करताल मृदंग बज रहे थे और महाप्रभु हुंकार कर रहे थे, उनके नेत्रों से आंसुओं की पिचकारी छूट रही थी। और उस कीर्तन को सुन करके महाराज रोक नहीं सके अपने मन को, वे बड़े बड़े यति जो नाच गान का विरोध करते थे, जो कीर्तन को नृत्य गान बताते थे, वो सब उठ करके अपना दंड उठा उठा करके हरिबोल कर रहे थे। और प्रकाशानंद जी ने सोचा, बड़ा भारी चमत्कार है, मैं भी तो देखूं सही। उठ करके आए, महाप्रभु का दर्शन करते भाव विभोर हो गए, वो भी नाचने लगे। कब दंड गिर गया, महाप्रभु जी ने जैसे ही आलिंगन किया, अब तो एक साथ सात्विक भाव जग गए। और आज काशी के लोगों ने अनुभव किया कि आज महाप्रभु ने काशी के ज्ञान को नचा दिया, मूर्तिमान होकर के नचा दिया।